हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को। शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? ऑप्शन है क्रैचमर व शेल्डन ने, हिप्पोकैट्स ने, जुंग ने या एडलर ने। क्रैचमर व शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने, जुंग ने या एडलर ने। तो फटाफट से सोचिए इसका आंसर। तो आपने लगाया इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं क्रैचमर ने भी और शेल्डन ने भी। ठीक है, तो इन दोनों ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं, जिसमें क्रैचमर ने तो व्यक्तित्व के तीन प्रकार, जिसमें एस्थेनिक, एथेनिक और पिकनिक यानी लंबा काय, सोडोलकाय और गोलकाय, तीन प्रकार के बताए। इसी तरीके से शेल्डन ने भी गोलाकार, आयताकार और लंबाकार बताए, जिन्होंने उनके दूसरे नाम भी दिए, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखने थे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टू। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, तो यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए फटाफट से, बिग व हंट का, ऑलपोर्ट का, ड्राइवर का या मन का। तो ये डेफिनेशन जो है वो किसकी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। तो पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो किसने दी है? तो आंसर आपने लगाया फटाफट से, और अब देखिए इसका सही उत्तर। आप लोगों ने याद किया है तो इसका आंसर जो है वो आपने लगा ही लिया है, आंसर है ऑलपोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। एक संगठित व्यक्तित्व में जो विशेषता नहीं पाई जाती है वह है सामाजिकता, गतिशीलता, संकल्प शक्ति या झगड़ना। तो एक संगठित व्यक्तित्व, इनमें से कौन सी विशेषता उसमें नहीं पाई जाएगी? सामाजिकता पाई जाएगी क्या, गतिशीलता पाई जाएगी, संकल्प शक्ति पाई जाएगी या झगड़ना पाया जाएगा? तो इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा क्योंकि एक ही गलत बता रहा है ऑप्शन, और वो है झगड़ना, जो कि संगठित व्यक्तित्व में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधियां हैं? चलिए तो इसका ऑप्शन देखिए फटाफट से, रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको क्या बोलते हैं IBT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT, और बाल संप्रत्यन परीक्षण जिसे कि CAT भी कहते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधियां हैं? तो बिल्कुल इसका सही आंसर तो यही है, ये तीनों ही व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5। व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? किसका शील गुणों का, कैटल व ऑलपोर्ट का, गैरिट, ऑलपोर्ट या जुंग? इन चारों में से किसने व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किया है? तो यहाँ आंसर जो है वो होगा कैटल और ऑलपोर्ट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जिसमें हमें पता है कि जो कैटल थे उन्होंने तो 16 शील गुण बताए थे, ठीक है, और ऑलपोर्ट इन्होंने 2 बताए थे, सामान्य और व्यक्तिगत, यानी सामान्य गुण और विशेष गुण ये बताए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले यहां पर उभयमुखी व्यक्तित्व ये प्रकार किसने बताए थे? जुंग ने बताए थे। ठीक है, तो जुंग ने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पूछा है उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, क्या वो अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, दोनों होते हैं या अन्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जिस व्यक्ति में ये दोनों ही व्यक्तित्व पाए जाते हैं, अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है, तो वह उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है। निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है,
तो क्या है, वंशानुक्रम है, वातावरण है, देखना है या व्यायाम करना है, तो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। क्या वंशानुक्रम प्रभावित करता है व्यक्तित्व को, वातावरण करता है, देखना करता है या व्यायाम करना, तो इनमें से कौन सा एक गलत है? तो यहां जो आंसर होगा, देखिए यहां पर आपको ए और बी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। अब ये दो ऑप्शन है, इनमें से देखिए सही आंसर ये होगा देखना। व्यायाम जो है वह भी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है, लेकिन देखना जो है इसमें नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया? काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति? फ्रायड ने सबसे पहले सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया? तो आंसर जो है वो सभी ने लगाया और सब जानते हैं कि आंसर है काम प्रवृत्ति। क्वेश्चन 9 है, व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उससे मिलता जुलता है और इसका सभी आंसर सही देंगे, किसी का भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि व्यक्तित्व हो या व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो, इनको प्रभावित करने वाले दो तत्व महत्वपूर्ण है, वंशानुक्रम और वातावरण। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट देखिए, बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है, चिंताग्रस्त होता है, वो आक्रामक होता है, कार्य करने की दृढ़ इच्छा है या शांत एवं आशावादी होता है? बहिर्मुखी बालक की इनमें से कौन सी विशेषता है नहीं है? तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो रहेगा वो रहेगा आक्रामक। ठीक है, बहिर्मुखी बालक की विशेषता होगी चिंताग्रस्त भी होता है वह, उसमें कार्य करने की दृढ़ इच्छा भी रहती है, वो अपनी भावनाओं को बाहर निकालता है, शांत भी होता है और कभी-कभी आशावादी भी होता है, लेकिन आक्रामक जो है वो नहीं होता है। आक्रामक व्यवहार जो है वो अंतर्मुखी बालक का देखा गया है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को प्रकट ही नहीं करता है, इसी वजह से वो अपराध करता है। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है अवलोकन विधि, निर्धारण विधि, साक्षात्कार विधि या व्यक्ति इतिहास विधि? यहां पर देखिए कीवर्ड क्या है कि व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करनी है हमें, किसके लिए? व्यक्तित्व के मापन के लिए। अब हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए? संपूर्ण सूचनाओं के लिए क्या हम साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी? निर्धारण विधि से हो जाएगी, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन से हो जाएगी या व्यक्ति इतिहास विधि से होगी? तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल यही आंसर सही है कि अगर व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करनी है तो उसके लिए व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी जो है वो सही रहती है। व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? लेटिन भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, हिंदी भाषा के या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता है किसी का भी और फटाफट से आंसर आते हैं और इसका सही आंसर जो है वो बिल्कुल यही है, लेटिन भाषा। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ हो, सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष या उपरोक्त सभी? तो एक संगठित व्यक्तित्व जो है वो किसे कहा जाएगा? क्या केवल सामाजिक पक्ष वाले व्यक्ति को जिसमें सामाजिक का विकास हुआ हो या मानसिकता का विकास हुआ हो, संवेगात्मक या उपरोक्त तीनों ही?
तो आंसर इसका सही रहेगा जिसमें तीनों पक्ष विद्यमान होंगे वही संगठित व्यक्तित्व कहलाएगा। पर्सनैलिटी शब्द जो हमने अभी देखा था लेटिन भाषा से लिया गया है। इस शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो ग्रीक, लेटिन या यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है। अब यहाँ शब्द पूछ लिया गया है, पर्सनल से, परसैनी से, परसोना से या पसोनी से। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है वो किस शब्द से बना है, वह लेटिन भाषा के किस शब्द से बना है। बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं होता है, टॉपिक वही रहते हैं, उन्हीं टॉपिक से उठकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टॉपिक क्लियर है बिल्कुल तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आंसर होगा परसोना। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है गतिशीलता, असामाजिकता, समायोजन शक्ति या संतोष, उच्च आकांक्षा व उद्देश्य पूर्णता। तो यहाँ पूछा क्या है, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा तो यहाँ पर संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है ये पूछा गया, ठीक है। तो असामाजिकता जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17, वह शक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है, दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस शक्ति का क्या नाम है। गतिशीलता, संकल्प शक्ति, समायोजन शक्ति या आत्मचेतना। तो इन चारों में से आप ये खोजिए कि जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के बारे में जानता है और दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो इस शक्ति का क्या नाम है। तो ये कौन सी शक्ति है जिसमें व्यक्ति खुद के बारे में जानता है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा गतिशीलता, देखिए हटाइए इसको, इसमें व्यक्ति अपने बारे में जानता है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। संकल्प शक्ति, यहाँ कोई संकल्प नहीं लिया जा रहा है। समायोजन शक्ति, एडजस्टमेंट तो नहीं बिठाया जा रहा है। आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, आत्मचेतना। जब आपको चार ऑप्शन जो है वो समझ में ना आए तो आप एक एक करके क्या करिए, उनको हटाइए, ठीक है, तो आप सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। अंतर्मुखी बालक होता है, हमने अभी जो बहिर्मुखी है और उभयमुखी दोनों के बारे में देख लिया, अब है अंतर्मुखी बालक होता है, सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला या स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। फटाफट से सोचिए इसका सही आंसर कि अंतर्मुखी बालक जो है वो कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो देखिए, इसका राइट आंसर है कि एकांत में विश्वास रखने वाला, अंतर्मुखी, वो स्वयं में ही बातें करने में, स्वयं को जानने में, और वो किसी भी तरीके से दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है, तो वो एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। और ये जो बाकी ऑप्शन है कि सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला, ये सभी बहिर्मुखी बालक की विशेषताएं होती हैं। व्यक्तित्व मापन की वो कौन सी विधि जिसमें व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, मापदंड परीक्षण विधि या परिसूची विधि। तो वो कौन सी विधि है जिसमें व्यक्ति का मूल्यांकन जो है वो उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से ही करवाया जाता है। तो यहाँ प्रश्नावली विधि ये तो नहीं होगी, कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। साक्षात्कार विधि जो कि किसी उद्देश्य को लेकर की जाती है ये भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए मापदंड परीक्षण विधि और परिसूची, इन दोनों में से क्या होगा, तो परिसूची जो है ये भी नहीं हो रहा है इस लाइन के अंतर्गत। आंसर होगा मापदंड परीक्षण विधि, ठीक है, जिसमें व्यक्ति का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है। वह वार्तालाप जो कि उद्देश्यपूर्ण है क्या कहलाती है, साक्षात्कार, वाद विवाद, विचार विमर्श या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी वार्तालाप जो कि किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जा रही है, उद्देश्य है उसका, तो वाद विवाद यहाँ तो हमें कोई उद्देश्य नजर नहीं आता, ना ही विचार विमर्श में नजर आ रहा है, तो एक ही है इसका सही आंसर और वो क्या है, साक्षात्कार, इंटरव्यू। अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित रहने वाले
तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, संतुलित या उपरोक्त सभी। तो अब हम इसका बिल्कुल भी नहीं गलत करेंगे, सब बच्चे सही करेंगे इसका, कि जो ज्यादा से ज्यादा बोलता हो, खुश रहने वाला हो, सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व हो उसका। यहाँ पर धनी का मतलब ये नहीं है उसका कि उसके पास पैसा वगैरह बहुत ज्यादा हो, यहाँ है कि सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व हो तो वो कहलाएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार द्वारा या आत्मकथा द्वारा। अचेतन मन का अध्ययन जो है वो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है अचेतन मन का? अचेतन मन क्या होता है? ये मन का वो भाग होता है जो व्यक्ति का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करता है और व्यक्ति को बाहरी वातावरण में विचरण करवाता है। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति जो है वो सपनों में रहता है, मतलब दिवा स्वप्नों में रहता है। इसका अध्ययन जो है हम जानते हैं सभी कि मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है, जहां फ्राइड ने मन की तीन अवस्थाएं बताई हैं, कौन कौन सी? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23। निम्न में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है वो है निरीक्षण विधि, भ्रमण विधि, शारीरिक परीक्षण विधि और साक्षात्कार विधि। तो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन बी, भ्रमण जो है वो किसी भी प्रकार की व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है। इसके अलावा निरीक्षण विधि, शारीरिक परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, ये सभी क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां हैं। यह करो यह ना करो, ये कौन कहता है? इड, ईगो या सुपर ईगो? तो इन तीनों में से कौन ये कहता है कि यह करो और यह ना करो? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सुपर ईगो। ठीक है, सबसे पहले जो इड है, इड क्या होता है? ये हमेशा व्यक्ति को नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, स्वार्थ की भावना जो है वो इसके अंदर होती है। यह कहता है कि हमेशा व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो उसके लिए की इच्छाओं की पूर्ति करता हो। ठीक है, तो यह किसी भी परिस्थिति को नहीं देखता है कि चाहे गलत ही परिस्थिति क्यों ना हो, स्वार्थ की जो पूर्ति है वो इसमें होनी चाहिए। और सुपर ईगो कहता है कि ये कार्य करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये केवल आदर्श बातों की ओर ले जाता है, ये नैतिकता की बात करता है, व्यक्ति को अच्छे काम की ओर ले जाता है। वहीं इन दोनों के बीच में जो तालमेल बिठाने का काम है वो ईगो करता है। तो यहाँ पर यह करो यह ना करो ये कौन कहता है? सुपर ईगो कहता है। युग या जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए हैं? कोमल, आशामय, खिन्न या अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी? तो मैंने स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन को आप लोगों को बता ही दिया था कि जुंग ने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए, कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की विभिन्नताओं इसी से संबंधित 25 क्वेश्चन और करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। यदि जो बच्चे यहाँ पर 25 में से 25 नंबर या 24 नंबर नहीं ला पाए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से तैयारी करके आइएगा, हम 25 क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।